नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं, क्वालिटी इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसको पढ़ करके आप जो है अपना इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो है व्हाट आर द लिस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल। तो जो आपका स्टील रूल होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0.01 mm, 0.02 mm, 0.5 mm और 0.01 mm। तो दोस्तों इसके अंदर जो सबसे पहला आंसर आपका आता है वो सही उत्तर है आपका 0.5 mm, मतलब आधा mm जो है वो आपके ये जो स्टील रूल होता है जिसको हम आम भाषा में फिट्टा भी कहते हैं, इसका जो है वो लिस्ट काउंट होता है, मतलब अल्पत मान होता है कि छोटे से छोटा जो मान है इसका 0.5 mm तक ये मेज़र कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डायल वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों आपने डायल वर्नियर देखा होगा, तो डायल वर्नियर का जो प्रिंसिपल होता है उसका जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर एक नट एंड बोल्ट सिद्धांत, दूसरा आता है रैक एंड पिनियन, स्लाइडिंग मूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो सब आपका सही आंसर आता है वो आता है आपका रैक एंड पिनियन। तो आपका जो डायल वर्नियर कैलिपर होता है वो रैक एंड पिनियन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो ये आपका डायल वर्नियर होता है, ठीक है, इसके अंदर ये नीचे वाली साइड में एक रैक लगा होता है और रैक के अंदर जो है वो रेक के ऊपर जो है वो इस निडल के साथ में पिनियन लगा होता है, तो ये जो है वो पिनियन के ऊपर जो है वो वर्किंग करता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज किए जाते हैं मैकेनिकल लाइन के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिर आता है आपका बी मेल फीमेल इंस्ट्रूमेंट्स, तीसरा आता है इंडस्ट्रियल एंड होम इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद में आता है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर आता है फ्रेंड्स वो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे यूज़ होते हैं। तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर होते हैं, डायरेक्ट होते हैं आपके जो कैलिपर्स आ जाते हैं इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर, और फिक्स में आपका जो है वो आपके सारे गेज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम जो होते हैं, जो मेजरमेंट की जो प्रणालियाँ बनी हैं, जो पद्धतियाँ बनी हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका FPS MKS, सेकंड नंबर आता है FPS MKS, CGS और SI, फिर आता है RND FPS, फिर आता है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर आता है वो आता है आपका FPS MKS, CGS और आपका SI। तो FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, और MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ऐसा ही होता है मतलब आपका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, राइट द थ्री नेम ऑफ द इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपको तीन नाम लिखने हैं, तीन नाम बताने हैं आपको कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके तीन नाम बताने हैं। जैसे पहला आता है आपका वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर हाइट गेज, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। उसके बाद में आता है सी बोथ, मतलब दोनों, और अगला क्वेश्चन आपका नन ऑफ द दिस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आपका आता है वो आता है आपका आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। तो इस प्रकार के आपके कैलिपर्स होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपके आउटसाइड इनसाइड और जेनी कैलिपर्स आपको यहाँ पर जो है वो दिखाए गए हैं। तो ये वाला जो है ये आपका जेनी कैलिपर होता है, ठीक है, और ऊपर जो है आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, उसके बाद में आता है राइट दी थ्री नेम ऑफ फिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो है वो फिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा आपसे, तो तीन फिक्स माप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम लोग गेज कहते हैं उनके नाम बताने हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका रेडियस गेज, फिलर गेज और पिच गेज। उसके बाद में आता है आपका हाइट गेज, डेप्थ वर्नियर, डायल वर्नियर। उसके बाद में आता है आपका ऑल ऑफ द अबव, फिर इसमें आता है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो आता है आपका ये आपके जो है वो सारे गेज होते हैं जिनको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन लाइन के अंदर, ठीक है। इनका माप जो होता है दोस्तों वो फिक्स होता है। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर है वो आता है आपका रेडियस गेज, फिलर गेज, पिच गेज, ये सारे के सारे जो गेज होते हैं ये आपके आपके फिक्स मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के कितने प्रकार हैं, तो टॉलरेंस दोस्तों कितने टाइप्स के होते हैं इसका सही आंसर आपको बताना चाहिए। पहला है आपका आउटर टॉलरेंस, इंटरनेशनल टॉलरेंस,
फिर आता है आपका यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल टॉलरेंस, उसके बाद में आता है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा यूनिलेटरल टॉलरेंस एंड बाइलेटरल टॉलरेंस। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द साइन ऑफ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस का साइन क्या होता है, तो टॉलरेंस आपका जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो टॉलरेंस का सही निशान होता है वो होता है आपका प्लस एंड माइनस। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटीमीटर बराबर आपको माइक्रोन बताना है कि एक सेंटीमीटर में माइक्रोन कितने होते हैं। तो दोस्तों एक एमएम बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं, ठीक है, और एक सेंटीमीटर में 10 आपके मिलीमीटर होते हैं। तो अगर आपको माइक्रोन ज्ञात करना हो एक सेंटीमीटर में, तो आपका एक सेंटीमीटर में माइक्रोन कितना होगा। पहला आंसर है आपका 100 माइक्रोन, फिर आता है आपका 10000 माइक्रोन, फिर आता है आपका 5000 माइक्रोन, फिर आपका आता है 500 माइक्रोन। तो इसका सही आंसर आपका है 10000 माइक्रोन, क्योंकि 1 एमएम में अगर आपके 1000 माइक्रोन होंगे तो 10 एमएम में आपके 10000 माइक्रोन हो जाएंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मटेरियल ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर किस मटेरियल का बना होता है। तो इसका सही आंसर है पहला स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, कॉपर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो आपका आता है स्टेनलेस स्टील। वर्नियर कैलिपर आपका जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, 0.01 mm में कितने माइक्रोन होते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोन पूछा है आपको, तो यहाँ पर आएगा आपका पहला आंसर है 10 माइक्रोन, फिर 50 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, 500 माइक्रोन। इसका सही आंसर आपका आता है 0.01 mm में 10 माइक्रोन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 25.4 mm किसके बराबर होता है। तो 25.4 mm किसके बराबर होता है, 1 mm के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर, 1 इंच के बराबर और 1 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आता है 1 इंच के बराबर होता है, 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, इसलिए जो है वो 25.4 mm जो है वो 1 इंच के बराबर होगा। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है, पहला आंसर वहाँ पर पढ़ते हैं, पेन पेंसिल सिद्धांत, कटाई टूल सिद्धांत, नट बोल्ट सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका आता है नट बोल्ट सिद्धांत। तो माइक्रोमीटर जो होता है आपका वो नट एंड बोल्ट सिद्धांत पर कार्य करता है। जिस प्रकार से हम लोग नट एंड बोल्ट को जो है वो टाइट करते हैं, उसी प्रकार से जो उसी सिद्धांत पर जो है वो हमारा माइक्रोमीटर कार्य करता है। माइक्रोमीटर के अंदर जो है वो चूड़ियां कटी होती है, उसी चूड़ियों की पिच के आधार पर जो है वो कार्य करता है। क्यूसी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों क्यूसी का मतलब क्या है, एक होता है क्विक कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, क्विक कंट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। क्यूसी का मतलब होता है दोस्तों, सही आंसर है क्वालिटी कंट्रोल। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, टीपीएम क्या होता है। तो टीपीएम क्या है दोस्तों, टीपीएम का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है, टोटल प्लान मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टोटल पार्ट मेंटेनेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये आपका टीपीएम का जो है वो अर्थ होता है। टोटल प्रोडक्टिव मतलब ओवरऑल सबकी मेंटेनेंस करना। ओके, उसके बाद में आता है आपका एमएसए क्या है। तो दोस्तों आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर का कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपको एमएसए के बारे में जो है वो मालूम होना चाहिए कि एमएसए क्या है। तो एमएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेजरमेंट स्लिल एनालिसिस, और उसके बाद में आता है मेंटेनेंस सिस्टम एनालिसिस, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो ये आपका आता है, इसका सही आंसर है आपका मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो है वो इसका मतलब होता है एमएसए का। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज काइजन, काइजन क्या है। काइजन क्या है, चेंज फॉर बैड, चेंज फॉर इंटेलिजेंट, चेंज फॉर बेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर इसका आता है चेंज फॉर बेटर, मतलब अच्छे के लिए बदलाव करना और निरंतर सुधार करते रहना। आगे बढ़ते हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नाउन एज, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है और ये किस प्रकार का जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स है या फिर ये इसका जो है वो क्या माप होता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है, पहला आंसर है यहाँ पर थ्रेड प्लग गेज, प्लेन प्लग गेज, एयर प्लग गेज और टेपर प्लग गेज। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका प्लेन प्लग गेज। तो ये दोस्तों आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्लेन प्लग गेज है। इसका उपयोग जो है वो आईडी को मेजर करने के लिए किया जाता है, इसका माप फिक्स होता है, ठीक है। तो इसको जो है वो प्लेन प्लग गेज के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक साइड गो साइड होती है और दूसरा होता है जिसका नो गो साइड होता है। गो साइड आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाना चाहिए, पार्ट के अंदर जाना चाहिए, और आपका जो है वो नो गो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिक्स मापी इंस्ट्रूमेंट, मतलब प्लेन प्लग गेज है ये। इसके बाद में आगे बात करते हैं, रिवर्क पार्ट को किस बिन में रखेंगे। अगर आपकी मशीन पर कोई रिवर्क निकल जाता है तो उसको किस बिन में रखेंगे आप। तो यहाँ पर आपके आंसर हैं, पहला है आपका रेड बिन, दूसरा है आपका ग्रीन बिन, तीसरा है आपका येलो बिन, फिर आता है आपका ब्लू बिन। तो इसको हम लोग कहाँ पर रखेंगे, इसका सही आंसर है रिवर्क पार्ट को जो है वो येलो बिन के अंदर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं,
रिजेक्ट पार्ट को किस बिन में रखेंगे? रिजेक्ट पार्ट अगर कोई हो जाता है तो उसको किस बिन में रखा जाएगा? इसके लिए आपका सही आंसर है पहला आपका ग्रीन बिन, येलो बिन, ब्लू बिन एंड रेड बिन। तो इसको रखा जाएगा हमारा रेड बिन के अंदर। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए आपको जो क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इन क्वेश्चंस को याद करके किसी इंटरव्यू को देने जाएंगे तो आपका जो 100% आपका इंटरव्यू क्लियर होगा और दोस्तों आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।